वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग अब थ्योरम देखेंगे 10.1 प्रमेय और 10.2 बहुत ही मजेदार, और एग्जाम में आपको थ्योरम पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में टोटल 11 थ्योरम है। 11 में क्या क्या, तो दो ठो थ्योरम आपका 10 लेसन से आएगा, और नाइन जो थ्योरम है आपका वो 6 लेसन से आएगा। और ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अभी हम लोग 10 लेसन पढ़ रहे हैं, तो 10 लेसन का थ्योरम बहुत आसान है, मतलब जितना इजी बोला जाए बहुत इजी, आप तो बाजी मार देंगे उसमें, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ थ्योरम नंबर 10.1 लिखे हैं, इसके बाद से प्रमेय यानी थ्योरम नंबर 10.2 देखेंगे, उसके बाद से इस थ्योरम को भी हम लोग कर लेंगे। याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस का जब सीरीज चलेगा, एक एक क्वेश्चन अगर आप उस सीरीज को मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे। रिजल्ट आपका अगर बेहतर लाना है आपको अपना रिजल्ट, तो हर एक वीडियो और सीरीज देखते चलेगा। जब 1 से लेकर के और 15 तक पूरे लेसन का मल्टीपल चॉइस, तो इतना जबरदस्त होगा आपका, आपके एग्जाम में उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बिना देर के पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसान है, 2-4 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त समझ रहे हैं ना, ये गोला, ये वृत्त हो गया। वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि कहीं स्पर्श यानी गुजर रहे से सट गया, सट के इधर चला गया स्पर्श रेखा, तो बताइए इधर गया है तो कहीं ना कहीं एक जगह सटा है, एक ही जगह सटेगा, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो वृत्त ये हो गया, और वृत्त से एक स्पर्श रेखा गुजर रहा है, और कह रहा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। अब कह रहा है कि जैसे ये गुजरेगा तो कहीं ना कहीं सटेगा, और सटेगा तो कह रहा है जहाँ सटेगा वहाँ बीच से यानी केंद्र से ऊपर से नीचे तक ये लंब होता है। क्या होता है, ये लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है साबित कीजिए कि एक वृत्त है, अब वृत्त के नीचे से जो स्पर्श रेखा गया है ना, और जहाँ सटा है तो ऊपर से खींचिएगा उस सटे हुए लाइन पर, सटे हुए लाइन को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। जहाँ स्पर्श है उसे स्पर्श बिंदु, ऊपर से तो ये क्या होता है, लंब होता है, ये साबित करना है। तो ये तो सबसे आसान है, ठीक है। हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए, एक लाइन को पहले ऐसे खींच दो, पहले यहाँ पे लिखते हैं हम कोई लाइन, मान लो ए और बी, ये लाइन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको ए और बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग सी, और इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जाके सटा है तो इस पॉइंट को सी माने, तो यहाँ पे भी तो सटा है, इसको मान लो आप ए बी सी, तो इसको मान लीजिए डी, क्या मान लें हम डी, और बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या साबित कर दीजिएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, बताइए इसमें साबित कर दीजिए कि जो ये त्रिभुज की तीनों भुजा है ना, त्रिभुज में कितने ट्रायंगल में कितने साइड से, 1, 2, 3, अगर हम ये साबित कर दें कि सबसे छोटा लाइन ये है, ठीक है, तो हो जाएगा कि हाँ ये स्पर्श रेखा पर लंब होता है। क्या साबित करना है, हम ये साबित कर दें कि त्रिभुज के तीनों भुजा में सबसे छोटा लाइन ओ से सी ओ सी है, तो समझ जाइएगा वो साबित हो गया कि इस पर ये क्या है, लंब गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज को साबित करने से पहले जो दिया रहता है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ गिवेन में लिखेंगे, गिवेन लिख सकते हैं आप हिंदी में, दिया हुआ है क्या, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिस पर ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा सट के गया है कि नहीं, यहां देखिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है, रेखा है, ठीक है। और जब ए बी एक रेखा है, ये आपको हम पूरा लिख दिए, तो एक और चीज इसमें आप लिख सकते हैं, बताइए ये लाइन अपने से खींचे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ ये था और ये दिया था, ठीक है, ये लाइन अपने से खींचे हैं, तो इस अपने से लाइन खींचने को कंस्ट्रक्शन कहते हैं, रचना, जो काम अपने से किया जाता है उसे रचना कहते हैं, ठीक है। तो यहां साबित पहले क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ लिख सकते हो साबित करना है कि, क्या साबित करना है, साबित करना है कि ई वाला लाइनवा ना लंब आया है इस ए बी पर, यानी क्या लिख करना है, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, साबित करना है कि ए बी लाइन पर ओ सी लंब है। तो हमको बस इस सब तीनों लाइन में अगर ये छोटा साबित कर देते हो जाएगा, अपने से क्या रचे हो, इस त्रिभुज को ओ से बी को मिलाया हो, अपने से यही रचे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, मन करे तो यहाँ रचना लिख सकते हो, ठीक है, क्या किए हैं, ओ से बी को मिलाया गया है,
ठीक है, हमको छोटा साबित करना है ना, आप देखिए एक यहाँ पर भी पॉइंट है, तो आप खुद देखिए कि ये क्या है। आपको बताए थे कि सेंटर से आई जो परिधि बोलते हैं, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, परिधि, तो बीच से अगर परिधि तक जाएगा तो उसे त्रिज्या कहते हैं। आ सब त्रिज्या आपस में बराबर होता है, सब त्रिज्या आपस में क्या होता है, ये कहीं जाएगा सब आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप बताइए कि ओबी से छोटा ये है कि नहीं, तो आप बताइए ये जब त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, ओ से शुरू हुआ है बीच से यहां तक गया है बाउंड्री तक, यानी परिधि तक, सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये भी वही है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। यहां प्रूफ में लिख सकते हैं प्रमाण, क्या ओडी बराबर ओसी। अब बताइए कि ये वाला जो ओडी है किससे, ओडी छोटा है किससे, ओबी से, तो यहां लिख सकते हैं कि ओडी जो था ना वो क्या था, छोटा था किससे, ओसी से, ओबी से, किससे छोटा था, ये ओडी छोटा नहीं है ओबी से। तो जब ओडी आपका छोटा है ओबी से, तो यहाँ देखिए ओडी छोटा है ओबी से, तो जब ओडी और ओसी बराबर है तो ओसी भी तो छोटा हो जाएगा, तो ओसी भी छोटा हो गया किससे, ओबी से। यही तो साबित करना था कि सबसे छोटा लाइन ये साबित हो जाए, इस लाइन से भी छोटा और इस लाइन से भी छोटा, तो ये छोटा हो गया क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हाई वाला छोटा है तो हाई उतने होगा क्योंकि दोनों बराबर है इससे, तो इससे साबित हो गया। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि OD OC परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OC परपेंडिकुलर AB, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए PROVED। अब लैंग्वेज का बात रहा तो यहाँ लिख सकते हैं आप ये क्यों लिखे हैं, तो यहाँ जब था OD बराबर OC, या फिर इसको अगर समीकरण एक मान रहे हैं तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण एक से, प्रूव्ड हो गया। यही तो साबित करना था, सिर्फ छोटा लाइन साबित कर दो यही हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शर्माइए मत, बिना देर के हम लोग 10.2 नंबर थ्योरम बहुत ही मज़ेदार तरीके से देखते हैं। अब यहाँ 10.2 नंबर पर में यानी कि थ्योरम देखेगा क्लास 10th का, बहुत आसान है यू तो, मतलब क्या बताएं, इतना इजी है, इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से एक्सटेरियर, मतलब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के कहीं बाहर से, ये क्या है बाबू, वृत्त मान लीजिए, अब वृत्त के कहीं बाहर से स्पर्श रेखा खींचा गया है, वो भी दो ठो मान लीजिए कि यहाँ पे बाह्य बिंदु से स्पर्श की यहाँ खींचा गया है, तो वो दोनों आपस में बराबर है, दो यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे देखिए इस पर ही जाके स्पर्श हुआ, इस पर ही जाके स्पर्श हुआ, नहीं स्पर्श हुआ, ठीक से कराई हो गया यहाँ पे स्पर्श। अब बोल रहा है कि ये दोनों जा करके सटा है, सटने का मतलब स्पर्श कराना हुआ, तो जाके सटा है तो ये दोनों बराबर है, क्या गारंटी है कि ये दोनों बराबर, कोई है आपके पास सबूत, तो आपको अभी ये 10.1 थ्योरम में हम क्या बताएं कि जहां सटेगा, यहां पे सटा है और वहां बीच से केंद्र से, केंद्र को मान लो ओ, वहां से सीधा 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री, जहां नीचे आता है वो लंब होता है, ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, यहां पे जाके मिला है तो यहां भी कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि जहां सटता है वहां क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये थोड़ा सा सही से कर लो, हो गया, यहां कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। तो साबित क्या करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो एक काम कीजिए, यहां से वो अपने से लाइन खींच लीजिए। आपको एक चीज बता दें, आपको त्रिभुज को सर्वांगसम करने आना चाहिए, सर्वांगसम नहीं समझते हैं, सर्वांगसम अभी समझ जाएंगे, बहुत आसान भाषा में सर्वांगसम यानी कि किसी दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज ऐसे हम मान लो रख लेते हैं, और रखने का मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, जो दोनों त्रिभुज है इसका हर एक अंग, इसके हर एक अंग से आपस में बराबर होना चाहिए। आप कभी जुड़वा देखे हैं, जुड़वा, जुड़वा का मतलब होता है कि एकदम सेम टू सेम उस वैसे ही आदमी रहेगा, उसी को तो बोलते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है इसका हर एक पार्ट, इसके हर एक पार्ट से अगर मिल रहा है तो दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो कम से कम तीन गो सबूत इसमें का और इसमें का दोनों बराबर कर दो तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे कि अब आपसे बोल दिया जाए कि ये दोनों लड़का हम सकल है, तो फिर अगर आप ये नहीं बोलेंगे क्या उसका हाथ भी बराबर है का, अरे जब बोल दिया गया है कि दोनों हम सकल है तो अब हाथ बराबर है, पैर बराबर है, कुछ नहीं किया जाता, सब बराबर है, यानी सर्वांगसम यानी सभी अंग समान है, उसी को कहते हैं सर्वांगसम। यहां देखिए इसको मानते हैं हम लोग पी क्यू
आर। साबित क्या करना है कि ये वाला और ये वाला लाइन बराबर। सबसे पहले क्या है तो गिवन में लिखिए, जी आई वी ई एन, नहीं इसको हिंदी में दिया हुआ आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। यही तो खींचा गया है। अब साबित क्या करना है, टू प्रूव, साबित करना है कि ये दोनों खींचा जो गया है ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, यही साबित करना है। ठीक है, और हम यहाँ कंस्ट्रक्शन अपने से क्या रचे हैं, ये कंस्ट्रक्शन यानी रचना होता है, अपने से रचे हैं कि बीच वाले को मिला दिए हैं और त्रिज्या को ले जाकर मिला दिए हैं, यही तो अपने से काम किए हैं। स्टार्टिंग में था ऐसे बाह्य बिंदु से ये जाके स्पर्श होता है, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है मात्र क्वेश्चन में, तो हम क्या किए सेंटर से इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, यहाँ 90 डिग्री बन गए, अब बाद में बीच वाले से मिला दिए, ये तीन काम अपने से किए हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं। ठीक है, ओ से क्यू तथा ओ से आर को मिलाया गया है जो त्रिज्या है, ये क्या है दोनों त्रिज्या है। अब फिर से यहां लिखिए उसे पी को भी मिलाया गया है। ठीक है, अब यहां देखिए प्रूफ लिखिए, प्रमाण, देखिए अगर हमको ये दोनों बराबर करना है तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज ये बन रहा है, अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दे, बोले थे ना कि दो त्रिभुज को अगर आपस में सर्वांगसम कर दे तो अब फिर इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि एक लाइन इसका क्या इस लाइन से बराबर है, जब सर्वांगसम हो गया तो सब अंग बराबर है, सब अंग सम यानी सर्वांगसम। ठीक है, तो इस त्रिभुज का कोई तीन गो सबूत इसमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अपने से ये लाइन लिख देंगे बराबर है, तो ढूंढिए यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू पी तथा ओ आर पी में कौन कौन सा, देखिएगा ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, मिल रहा है यहाँ पे, ये त्रिज्या है ये भी, दोनों आपस में क्या है इस त्रिभुज का ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर होगा क्योंकि त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो यहाँ लिख सकते हो ओ क्यू बराबर ओ आर, किस हिसाब से त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में क्या होता है बराबर होता है, एक सबूत इसमें मिल गया। दूसरा सबूत देखिए, यह भी 90 डिग्री है, ठीक है, चाहे एक और बात, इस त्रिभुज में ये वाला लाइन है और इस त्रिभुज में भी ये वाला लाइन, यानी कि दोनों त्रिभुज में ये लाइन मिल रहा है, तो ये लाइन कॉमन हो जाएगा, ओपी बराबर ओपी, ये लाइन क्या हो गया कॉमन। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो इसको उभयनिष्ठ, क्या लिख सकते हो उभयनिष्ठ। ठीक है, अगला देखिए, दो गो मिल गया, तीसरा देखिए, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, इसमें का एक सबूत इसमें मिल गया, यानी आप लिख सकते हैं यहां पे एंगल ओ क्यू पी बराबर एंगल, क्या लिख सकते हो ओ आर पी, कितना डिग्री राइट एंगल लिख सकते हैं, यानी समकोण 90 डिग्री। अब ये मत सोचिएगा कि ये ऊपर लिखना है, ये तीन गो सबूत मिला, ये तीन को कह सकते हैं हम लोग आर एच एस, आर माने राइट एंगल, पहले ऊपर इसको लिख सकते हैं, उसके बाद से ये मिल गया, एच माने हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है, और एस यानी एक कोई साइड्स। अब इसमें का तीन सबूत इसमें जब मिल गया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में है सर्वांगसम, यानी जब सब अंग समान है तो ये लाइन तो बराबर होगा ही दोनों, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम है किससे, ओ आर पी से। क्या क्या सबूत मिला था, तो आर एच एस मिला था। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए ये लाइन भी बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर, यहां लिख दीजिएगा सी पी सी टी, इसका मतलब क्या होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कह रहा है कि अगर इसका ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है,
कंग्रुएंट मतलब होता है सर्वांगसम है, सर्वांगसम माने हर अंग इसके हर अंग के बराबर है, तो ये लाइन अपने से क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब यही हुआ। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ आया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में शेयर कीजिए ताकि उन लोग के पास भी इसका मतलब इसका फायदा उठाया जा सके और उन लोग का भी बेहतर नंबर आ सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाया भी तो है एक मैथमेटिक्स के सबसे जबरदस्त टीचर, वो भी अमित सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही मैजिकल ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं, तो समझ में क्यों नहीं आएगा। तो इंतजार कीजिए इनके नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद।